मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। आज का दिन काफ़ी अच्छा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हम दोनों और बालकनी में आया हूँ। आराम से अच्छी अच्छी एकदम नॉर्मल हवा चल रही है, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर बैठ के। जैसे कभी कभी हम लोगों को करना चाहिए थोड़ा 5 मिनट का ही ब्रेक लेके, जस्ट नॉर्मल हवाओं में बैठो, कुछ पीना चाहते हो तो पी लो, क्या है आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है। बाकी थोड़े ही दिनों में हमको जाना है यहाँ से, तो काफ़ी सारी पैकिंग भी करनी है, प्लस घर के लिए जो सामान आया है इसको पूरा पैक करना है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा पैक कर देते हैं, बिकॉज अगर इसमें लेट करेंगे तो दिक्कत हमारे लिए होगी, क्योंकि बाकी का सामान भी जाना है गाड़ी में। तो बाकी का सामान कैसे, कोई टूटने वाला सामान नहीं है, बट इनका कोई भरोसा नहीं, बिकॉज इनका जो मटेरियल होता है वो अलग टाइप का होता है, हल्के से झटके में टूट जाते हैं। तो मैंने नोटिस किया उस दिन जब घर लेके आए कि ऑटो में आते आते 2 गमले ऐसे थे जो कि हल्के से क्रैक कर गए, मतलब अभी तक पूरे टूटे नहीं हैं, थोड़े से उनमें क्रैक आ गया। तो उनको एकदम अच्छे से पैक करना पड़ेगा। तो मैं ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से ही क्रैक पड़ा है पूरा इस साइड तक, बाकी इसमें भी कहीं ना कहीं क्रैक था। ये रहा, यहाँ पे ये होता है। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, देख रहे हैं हम लोग कि कौन सी जगह जा सकते हैं, कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी है। तो अभी सर्च चल रहा है, सर्च पूरा हो जाने के बाद जो जगह अच्छी होगी हम वहाँ पे जाएंगे। आज प्रिया दी ने बोला कि उनका कुछ खाना बनाने का मन नहीं है, तो हमने सोचा बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। प्रिया दी के नीचे रहते हैं केयर टेकर, उनकी यहाँ पर शॉप है, तो वो ऐसे पराठेज वगैरह भी बना देते हैं जो भी उनको ऑर्डर देते हैं। तो उनको ऑर्डर दिया था, अब लेने जाऊँगा। तो अभी पराठे ले आया हूँ मैं नीचे से, अभी फटाफट से पराठे खाएंगे, देन उसके बाद प्रिया दी अपना काम करेंगे ऑफिस का, एंड मेरे पास टास्क है गमले पूरे अच्छे से बबल रैप करने हैं, बिकॉज अगर नहीं किए तो टूट जाएंगे और फिर हम घर वालों से सुनना पड़ेगा कि तुमने अच्छे से पैक नहीं किए, और पैकिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ ही ऑलरेडी। तो हमारा लंच कम ब्रेकफास्ट रेडी है, पराठे, छाछ, अचार, ओहो, बटर, अमूल बटर, असली बटर। पराठे खा लिए हैं और बहुत ही बढ़िया पराठे थे यार, एकदम तो मतलब घर की थोड़ी सी याद आ गई, क्योंकि देखो सबकी मम्मियाँ जो पराठे बनाती है ना, उससे बढ़िया पराठे कहीं नहीं मिलेंगे। सो अब थोड़ा गमले का भी काम कर लेते हैं फटाफट। गमले अंदर रख दिए हैं बिकॉज बालकनी में इतनी जगह नहीं है, अब करना है इनको पैक। तो पैक करने के लिए हमारे पास है बबल रैप और टेप है जिससे हम उसको पूरा पैक करेंगे। हम शुरू करते हैं गमले को पैक करना। वैसे तो हमें गमले कभी पैक नहीं किए, डैड आर्मी में थे तो हम ऐसे ही, जैसे कभी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टाइम आता था तो ट्रक के लास्ट में सारे गमले डाल देते थे, बट इस बार यहाँ से सीन कुछ अलग है। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं टैक्सी में, बड़ी टैक्सी में, सो कहीं रास्ते में टूट ना जाए, क्योंकि रास्ते में पता ही ये खड्डे होते हैं, तो टूट ना जाए इसलिए हम लोग इसमें प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, बबल शीट, ताकि बच जाए थोड़े बहुत। बाकी पैकिंग का अपने को पूरा आइडिया है, क्योंकि पापा हमारे आर्मी में थे तो हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता था, तो सारा सामान पैक करना देन न्यू प्लेस पे जाके अनपैक करना काम हम ही करते थे। बट 2017-18 हाँ, जो पापा का लास्ट 10 ईयर था उसमें मैं नहीं था, क्योंकि मैं पुणे में था, तो उस टाइम पैकिंग मम्मी पापा ने ही की थी, बाकी टाइम पैकिंग हम लोग करते थे साथ में मिल के, तो पता है हमको कि कैसे पैकिंग करते हैं बढ़िया से। तो करता हूँ अभी, 16 गमले बचे हैं करने। फाइनली आफ्टर 1 आवर सारे गमले पैक हो गए, सारे गमले पैक कर दिए मैंने, और कुछ ऐसे लग रहे हैं सारे गमले, तो एकदम अच्छे से पैक किए। इस साइड पे ज़्यादा कवरिंग रखी है और इस साइड पे एक एक जगह पे
चार जगह पे मीठी पानी आती है, ये देखते हैं। वैसे ये टोटल पूरे 16 गमले थे, पूरे 16 सारे कवर कर दिए। अब एक और टास्क है, पैक तो कर दिए, अब इनको वापस से बालकनी में रखना है। बड़ा झंझट है यार। तो अभी 2 बज रहे हैं और प्रिया दी का काम चल रहा है। मैं अभी बैठूंगा, जस्ट थोड़ा एडिटिंग चालू कर दूंगा साथ ही साथ में, क्योंकि फिर लास्ट एंड मोमेंट पे क्या होता है, एडिटिंग तो बढ़िया हो जाती है, सही तरीके से हो जाती है, बट जो वाईफाई है वो धोखा दे देता है और जो व्लॉग है वो फिर टाइम पे नहीं आता। वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ 8:30 से 9:30 के बीच में डल जाए, बट वाईफाई थोड़ा स्लो होने के कारण थोड़ा लेट आ जाता है कभी कभी, तो फटाफट एडिटिंग चालू कर देता हूँ। तो अब हम निकल रहे हैं एक जगह के लिए, हमारा मन था वहाँ जाने का फ़िलहाल, और हमने पता किया कि वो जगह खुली है कि नहीं, तो वो जगह खुली है बट शाम को बंद हो जाएगी जल्दी बिकॉज गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। सो हमने सोचा कि अभी जा आते हैं क्योंकि थोड़ा फन भी चाहिए। अब चल रहे हैं क्योंकि बैग साथ में लिया है, क्योंकि प्रिया जी ने कहा कि उनके किसी फ्रेंड के अभी जाना है शहर, तो बैग साथ में ले लिया, साथ ही साथ एडिटिंग भी कर लेंगे। तो अब चल रहे हैं, हमारा कैब आ गई नीचे, तो चलते हैं। यार कैब में बैठो ना, पता नहीं क्या है, बाल इनके भी बड़े, हवा आ रही है, इनके बाल पीछे को जा रहे हैं, मेरे बाल आगे को आ रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। बट हम सोच रहे थे घर में बैठे बैठे, प्रिया भी काम कर रही थी, प्रिया जी से थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और घर के पास में एक जगह है तो हम वहाँ आएँ गो कार्टिंग करने के लिए। गो कार्टिंग मैंने और प्रिया जी ने वहाँ भी की थी। अब गो कार्टिंग का एक किस्सा और है, वो गो कार्टिंग करने के बाद सुनाऊँगा कि हुआ क्या था। अभी 1 by 1 हम लोग गोकार्ट करने वाले हैं, एंड क्योंकि वैसे रख के मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि लास्ट टाइम प्रिया दी का आपको पता ही है हर लैप में ठोका था इन्होंने, तो कोई भरोसा नहीं, कहीं भी ठोक सकती हैं। तो पहले प्रिया दी मेरा शूट करेंगी, देन उसके बाद मैं प्रिया दी का शूट करूँगा। सो लेट्स गो। इस जगह का नाम F9 गो कार्टिंग था, और बहुत ही अच्छा ट्रैक है, आप आके अच्छे से मतलब फुल मज़ा कर सकते हैं। बाकी ये तो भैया थे, इन लोगों ने हमें हेल्प की, पूरा कैसे करना है पूरा बताया, तो थैंक यू भैया। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं, कैब का वेट कर रहे हैं, कैब आ रही है 3-4 मिनट में। तो अभी अभी दीदी को ऑफिस का काम आया है, तो अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले थे इनके फ्रेंड के घर पर, बट अभी फ़िलहाल यहाँ से हमें भागना पड़ेगा घर, और क्योंकि लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है इनको बहुत ज़्यादा, तो अभी घर चलेंगे। तो फाइनली हम घर पहुँच गए, घर के नीचे, बट मैं आपको कहानी बताना भूल गया, बताता हूँ क्या हुआ था। तो पहले एक मिनट सैनिटाइज कर लेता हूँ। हम गए थे नैनीताल, आपको पता ही, जो मेरे नैनीताल का फर्स्ट व्लॉग है, नहीं देखा तो अभी जाके देख लो। तो मैं और दीदी गए थे गो कार्टिंग करने के लिए, तो जैसे ही गो कार्टिंग चालू की तो प्रज्ञा के हाथ में, मेरी कज़न सिस्टर, उसको फ़ोन दिया था, उसको बोला था कि अच्छे से शूट करना, दोनों को शूट करना बट अच्छे से करना। तो उसने क्या किया, प्रिया दी बार बार ठोक दे रही थी कहीं ना कहीं टायर्स में, तो उनको शूट कर रही है और मुझे शूट ही नहीं किया। तो जो हमारे पहला लैप था वो पूरा वेस्ट गया, देन मुझे वापस से लेना पड़ा एक और चांस पैसे देके, देन उसके बाद मैंने अच्छे से किया, देन प्रिया दी ने मुझे शूट किया उस टाइम पे, देन जाके उसमें जो मेरे शॉट्स हैं वो सेकेंड लैप के, सेकेंड चांस के हैं,
उसके बाद प्रज्ञा बार बार सॉरी 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 गलती से हो गया था। सो शाम का टाइम हो गया है, अभी 5 बज चुके हैं, तो चाय टाइम है। तो अभी फटाफट प्रिया दी को बोला चाय बना दो, तो बोलती सुबह मैंने बनाई थी, अब तू बनाएगा। मैंने कहा ओके, तो चाय बना लेते हैं फटाफट। देखो इस औरत को, छेना अकेले अकेले खा रही हूँ। चाय तो बना ली हमने, प्लस साथ में सोचा ब्रेड भी थी तो ब्रेड भी बना ली, ब्रेड बटर। और तो कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा है आज का, चाय ब्रेड एंड साथ में गोविंदा जी की मूवी चल रही है, बढ़िया मजा आ रहा है। तो हम इंस्टेंटली नहीं गए, हम लोग पहले घर आए, तो प्रिया दी को कॉल आ गया था, तो प्रिया दी ऑफिस गई थी। अभी प्रिया दी आई है, अभी अराउंड हो गया 6:30। सो अब निकल रहे हैं घर से, लाइट्स ऑफ कर देना, सेव एनर्जी। 4 किलोमीटर के स्पैन के लिए हमें अराउंड 20 मिनट लग गए। 20 मिनट क्यों लगे, जिस ऑटो से आए थे इन्होंने कुछ लोकेशन डाली होगी प्रिया दी ने, तो वहाँ तक ले गया। दिन वहाँ से उन्होंने बोला कि इसके आगे जब आप लोकेशन को अपडेट करोगे तभी चलूँगा, तो इन्होंने अपडेट की, फिर वो वापस उसी जगह ले गए जहाँ से हम आए थे, क्योंकि जस्ट एक लेन पहले ही था, तो हमें पहले उधर ले गया, देन उसके बाद यहाँ पर लेके आया। पूरा आधा घंटा घुसा दिया और तू मैं अलग हो गई। और अब जाके पहुँचे हैं भैया के घर, जिनके घर हमें आना था, प्रिया दी के फ्रेंड। सो अभी भैया के घर पे आया और क्रेचर ने हमें वेलकम किया है बहुत अच्छी तरीके से। पहले नहीं भौंक रहा था, अब भौंक रहा है। एंड से हेलो टू विनय भैया, वहाँ पे धनंजय भैया एंड त्रिषा दीदी कुछ बना रहे हैं हमारे लिए। क्या बन रहा है तो अभी खाना बनने में तो टाइम है, तो अगर मैंने खाना बनने तक वेट किया तो व्लॉग हो जाएगा लेट। सो मैं नहीं चाहता व्लॉग लेट हो, तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कुछ कमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय श्री राम, जय।